You are watching SBR News 1. Today's news updates, let's watch. नमस्कार, आप देख रहे हैं SBR News 1 और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। राजगढ़ के छापीहेड़ा में महाशिवरात्रि के मौके पर गुरुवार को गाजे बाजे के साथ नगर में शिव बारात निकाली गई। इस दौरान बम बम भोले और हर हर महादेव के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। पहली शिव बारात बाजार चौक स्थित प्राचीन शिव मंदिर परिसर से गाजे बाजे के साथ शिव बारात निकाली गई। नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः शिव परिसर में पहुंचकर कार्यक्रम का समापन हुआ। वहीं दूसरी शिव बारात तालाब मोहल्ला स्थित गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुई। गाजे बाजे के साथ में नगर में शिव बारात निकाली गई। मड़िहान थाना क्षेत्र के लालगंज कलवारी मार्ग स्थित रजोहा चौराहा पर बृहस्पतिवार की सुबह धक्का मारकर भाग रहे ट्रक से कुचलकर दो बाइक पर सवार महिला बालिका समेत चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सुगापांख गांव स्थित अमरनाथ के घर में घुसने से चालक समेत दो लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। जानकारी होने पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया। भयंकर हादसे की घटना आग की तरह फैल गई और घटनास्थल पर आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। इसमें मैं यहां थाना मड़िहान के जहां दुर्घटना हुई है गांव सुगापाक यहीं पर खड़ा हुआ हूं, जहां पर सुबह एक ट्रक ने दो मोटरसाइकिल सवार जिसमें पाँच व्यक्ति सवार थे टक्कर मार दी। एक मोटरसाइकिल का घटनास्थल तो यही है, एक इसे लगभग 150 मीटर दूर है। उसमें चार लोगों की मौत हो गई जिसमें एक महिला, एक बच्ची और दो पुरुष हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पहुंची, विधिक कार्रवाई की जा रही है। पंचायतनामा भर करके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था है, कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। दो लोग घायल हैं, एक ड्राइवर घायल है और एक अन्य व्यक्ति घायल है जिसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। धार जिले के निसरपुर चौकी अंतर्गत आने वाले कसरवात पुल पर खड़े वाहन में घुसे दो बाइक सवार, एक गया पुल से नीचे, वहीं दूसरे को भेजा गंभीर अवस्था में। बड़वानी अस्पताल वाहन को देकर अंधगति बाइक सवार हुए अनियंत्रित, एक युवक पुल से नीचे गिर गया। दोनों की तलाश जारी है। पुलिस मौके पर पहुंची व मामले की जांच अभी भी जारी है। श्रद्धालुओं पर मधुमक्खियों का हमला, धर्मराजेश्वर श्रद्धालु गंभीर घायल। मंदसौर जिले के धर्मराजेश्वर चंदवासा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं शिव जी के दर्शन के लिए आए, वहीं भीड़ को पूर्ण रोक नहीं पाया। श्रद्धालुओं को दर्शन करने के बाद यहां स्थित गुफाओं की ओर देख रहे हैं। श्रद्धालुओं पर मधुमक्खियों का हमला इस कदर हुआ कि सारे श्रद्धालु गिरते पड़ते भागते नजर आए। वहीं उस दौरान न्यूज प्रवक्ता का कैमरा भी अव्यवस्थाओं की पोल खोलता हुआ एवं श्रद्धालुओं को कवर करता हुआ वहां पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा पत्थर फेंकने पर मधुमक्खियों का हमला, सभी गुफाएं देखने आए पुरुष, महिला एवं बच्चों का शिकार हो गए। वहीं 8-9 लोगों को मधुमक्खी के डंक अधिक लगे, वहीं उन्हें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र शामगढ़ भेजा गया। वहीं पुलिस भी मधुमक्खी का शिकार होते हुए देखी गई। फिलहाल के इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें SBR News 1। नमस्कार।